रहा है स्कूल आकर के? अच्छा अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ आपका? काव्या भट्टान। कैसी है यहाँ की टीचर, सब कैसी लगी? स्कूल आपका कैसा लगा? इतने दिन बाद आप स्कूल आ रही हैं। अच्छा अच्छा लग रहा है। लक्षिता सहदेव। लक्षिता सहदेव, कैसा लग रहा है स्कूल आकर? अच्छा अच्छा लग रहा है। और क्या क्या पढ़ाई हुआ? एबीसीडी। और क्या किया? कुछ नहीं। सर, यूनियन स्कूल का आज 2 साल बाद ये खुला है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 2 वर्ष के बाद जो छोटे छोटे बच्चे आपने देखा, राज्य में स्कूल खुले हैं, बच्चों के अंदर उत्साह है, बगिया खिल गई है स्कूल में, लोगों के बच्चों के आने से एक खुशनुमा माहौल है। पासवा आंतरिक खुशी महसूस करती है। हम ये मानते हैं कि बिना स्कूल खुले हुए बच्चों के विकास के मार्ग अवरुद्ध हो गए थे। आज सभी स्कूलों में पासवा के पदाधिकारी, जिला के अध्यक्ष, प्रखंड के अध्यक्ष स्कूलों में जाकर बच्चों का स्वागत कर रहे हैं, उनको गुलाब का फूल दे रहे हैं, पेंसिल दे रहे हैं, बैलून दे रहे हैं, टॉफ़ी दे रहे हैं। टीचरों को निर्देश दिया है कि वो बच्चों को जागरूकता अभियान के तहत कार्यक्रम करके बताएं कि कैसे उनको सुरक्षित रहना है। बंद स्कूल बंद रहने से बहुत नुकसान हुआ, आज बहुत अच्छा लग रहा है, सभी स्कूल गुलजार हैं। देखिए, निजी विद्यालय बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाते हैं। आप देखा आपने कि एक बच्चा पैर से इनवैलिड था, इस स्कूल ने उसकी सेवा की, पढ़ाया और आज बच्चा चलने के लायक हो गया। और पूरी सावधानी बरतेंगे निजी विद्यालय, पासवा ने निर्देश दिया है, एक जरा भी कोताही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपके माध्यम से मैं सरकारी विद्यालय के शिक्षकों और अधिकारियों को कहूँगा कि वहाँ भी सावधानी बरतें। हम धन्यवाद देते हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी को, वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी को, जिन्होंने पासवा के अनुरोध पर आज स्कूल खोले हैं। सबसे ज़्यादा खुशी हुई जो बच्चों से आपने प्रश्न किया और बच्चे ने कहा हमारे पास बहुत सारे विकल्प थे, लेकिन हम लोगों ने चुनाव किया कि वैसे बच्चों के पास जाएंगे जो बिल्कुल ही बेबी नर्सरी में नर्सरी के बच्चे हैं, जो एकदम मासूम होते हैं। वो आज किलकारी कर रहे हैं, खुश हैं और ये भी कह रहे हैं कि हम स्कूल को मिस कर रहे थे। तो आज अपने दोस्तों के बीच आके, अपने शिक्षकों के बीच आके, स्कूल के में आके अपना कक्षा करना, उनको यहाँ खेलना, उनको देख के खुशी महसूस हो रही है। और हम राज्य की सरकार को धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों के अनुरोध पर सरकार ने फैसला लिया और स्कूल आज सभी निजी विद्यालय खोलने का निर्देश दिया। आपने देखा स्कूल में, और पिछले 2 वर्षों से जो बच्चे स्कूल नहीं गए थे इस कोरोना के वैश्विक महामारी में, धीरे धीरे बहुत सारे राज्यों में स्कूल खुल गए थे, मगर अपने यहाँ हमारे पासवा के अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री के प्रयास से आज ये खुला। स्कूल में बच्चे तो खुश ही हैं, साथ में जो गार्जियंस है, जो माता पिता हैं, और जो पहले 8 बजे या 7 बजे सोकर उठते हैं, हमें लगता है कि बच्चों के स्कूल के जाने की तैयारी को लेकर वो 5 बजे तैयार हो गए हैं। और सारे बच्चों को लाकर उन्होंने स्कूल पर छोड़कर बाउंड्री, आप देखे होंगे कैंपस के बाहर गार्जियन खड़े होकर देख रहे थे कि उनके बच्चे कितने खुश हैं। एक तरह से बोला जाए तो 2 साल से वो घर में पैक हो गए थे, बंद कर दिया गया था, आज उनकी खुशियाँ बाहर निकली है। और निश्चित तौर पर स्कूल खुलना इस देश के लिए, पूरे दुनिया के लिए, इस राज्य के लिए बहुत ही सुखद है। सुखद इस सेंस में है कि बच्चे अगर पढ़ेंगे नहीं तो फिर देश का निर्माण, समाज का निर्माण, परिवार का निर्माण और राज्य का निर्माण नहीं हो सकता है। तो हमें लगता है कि आज सरकार के प्रयास से, पासवा के प्रयास से स्कूल खुले हैं। सारे पूरे राज्य में जितने प्राइवेट स्कूल हैं और सरकारी स्कूल हैं, धीरे धीरे सब खुल रहे हैं। और शिक्षा पहला प्राथमिकता किसी भी राज्य का होता है।